वेलकम टू थिंग्स पीपल डोंट टेल यू। पहले थोड़ा पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट ने क्या करा। तो हमने पहले बात करी थी कि ये ट्रेंड लाइन है, उसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो पुट लेंगे, और उसको सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो कॉल लेंगे। तो मार्केट ने पहले यहाँ से एक बार को ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, और उसके बाद थोड़ा ही नीचे आया, फिर वापस ऊपर चला गया, और मतलब ऊपर चला गया इसका मतलब कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। फिर वापस यहाँ से वो नीचे आया, फिर ऊपर आया, तो मार्केट में कुछ इतना मूवमेंट था नहीं और थोड़ा वॉलेटिलिटी भी था। तो ये एक सीधी सी ऑब्वियस बात है कि हमको एक मिनट वन डे के चार्ट में थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, वन डे के चार्ट में हमको दिख रहा है कि 2 दिन मार्केट ने, पहले 2 दिन मार्केट ने ऑब्वियसली हमको ट्रेड दिया डाउन साइड के लिए। तो सीधी सी बात है कि तीसरे दिन वो ऐसे उसी सेम पैटर्न में नहीं चलने वाला था। तो हमको वो सब थोड़ा माइंड में क्लियर रखने का रहता है कि तीसरे दिन चौथे दिन हमको ऑब्वियस ट्रेड नहीं मिलते। एंड कल है मंथली एक्सपायरी, तो मंथली एक्सपायरी में क्या रहता है कि ऑप्शन चेन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है कि ऑप्शन चेन में कहाँ पे अरे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड लिया जाता है। तो मोस्टली मैं लाइव मार्केट में देख के ही वो ट्रेड लेता हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा प्रिडिक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक्सपायरी के दिन अवॉइड कर लो, क्योंकि उसके दिन पैसे जीरो भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपका आउट ऑफ द मनी कोई भी कॉल या पुट हुआ तो फिर आपका वो जीरो हो सकता है। तो अगर ट्रेड करना ही है तो फिर हम नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल या पुट ले सकते हैं। और एक सीधा एक बात करें तो ये जो रेंज बनाई है, उस रेंज को अगर ब्रेक करता है मार्केट, ये ऊपर साइड का ये रेंज है और नीचे के साइड का ये रेंज है, तो इसके बीच में तो ट्रेड करना नहीं है। ऊपर के साइड अगर ब्रेक करता है तो टारगेट इतने मिल सकते हैं कुछ 17,700 तक के, 100 पॉइंट ऊपर, और यहाँ से नीचे जाता है 17,500 के नीचे तो फिर कुछ 17,350 तक के मिल सकते, 17,400 17,350 तक के अगर जाता है नीचे, तो ठीक है। अब हम कुछ कल के लिए 25 तारीख को जो होने वाला है उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले, तो हम इलियट वेव के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या होता है। वो भी एक बेसिक ट्रेंड लाइन जैसा ही है, तो वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो इलियट वेव में क्या होता है कि एक मेन ट्रेंड रहता है, मान लो कि अप ट्रेंड है ऐसा, ठीक है। तो मार्केट हमें से जाता कैसा है, ऊपर नीचे ऐसे करके जाता है, ठीक है। तो मान लो कि ये इतना ऊपर गया, फिर जो दूसरा ये बना, फिर वापस ऊपर गया, फिर दूसरा बना, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, तो मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, सीधी लाइन में कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इलियट वेव में क्या रहता है कि ये जो है तो अप ट्रेंड का जो ऊपर का ऊपर जाने वाला जो पार्ट है उसको प्राइमरी ट्रेंड बोलते हैं, और ये जो डाउन साइड जा रहा है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव, ठीक है। तो सेकेंडरी ट्रेंड सॉरी तो सेकेंडरी ट्रेंड में हमें कभी भी ट्रेंड मतलब कि ट्रेड नहीं करना है, हमको प्राइमरी ट्रेड में ही मतलब के प्राइमरी ट्रेंड में ही ट्रेड लेना है, ठीक है। अभी इसमें हम अगर एक ट्रेंड लाइन भी ऐसे ड्रॉ कर दें, तो अभी मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये ऐसे ऐसे चैनल फॉलो मतलब कि चल रहा है, तो ये एक सेकेंडरी ट्रेंड यहाँ पे खत्म, ये खत्म हो गया, तो यहाँ से वापस जब मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो हम कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे, ठीक है, ऊपर तक। और फिर यहाँ से यहाँ पे एक बार अपन बुक कर सकते हैं, अगर बुक नहीं करना है तो ये सेकेंडरी ट्रेंड में मतलब कि रहना है, और इसके नीचे जाता है तो फिर एक्सिट तो कंपलसरी करना ही है, और यहाँ से वापस ऊपर जाने लगता है तो फिर ये ट्रेंड मतलब कि कंटिन्यू रहेगा। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको इलियट वेव के बारे में समझा दिया। तो जो प्राइमरी ट्रेंड रहता है उसमें ही हमको ट्रेड लेना है, सेकेंडरी ट्रेंड में नहीं लेना है, ठीक है। अभी इतना अगर समझ में आ गया हो तो आप थोड़ा बेसिक ट्रेडिंग में आपको आइडिया आ जाएगा। अगर आपको इक्विटी में कोई स्टॉक भी लेना है तो आप वन डे का या वन वीक का चार्ट देख रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि अगर ऐसे कोई स्टॉक इस पैटर्न को मतलब के फॉलो करता है तो आप उसमें एक ट्रेड ले सकते हो, उसमें टारगेट भी अपने आप मतलब के बना सकते हो, स्टॉप लॉस भी इससे मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो आज अगर इलियट वेव की बात करें हम, तो मार्केट में ऐसा कुछ प्राइमरी ट्रेंड, ऐसा कुछ सेकेंडरी ट्रेंड, ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि हम वन डे के चार्ट में अगर देखते हैं तो ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। तो वो एक क्या बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड, तो एक सेकेंड, हाँ ये प्राइमरी ट्रेंड है तो ये सेकेंडरी ट्रेंड है, ठीक है। तो फिर इसमें टेक्निकली बोले बड़े टाइम फ्रेम पे तो इसमें नहीं लेना चाहिए था, अगर आप मंथली मंथली वाला कॉल ऑप्शन लेते हैं तो, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे जाने लगता है तो इस लाइन को ब्रेक करेगा तो हम वापस बुट की पोजीशन में बैठ जाएंगे। तो ये हो गया इलियट वेव का थियरी, आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। और स्टॉक का अभी मैं क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सारे स्टॉक में टेक्निकल चार्ट का पैटर्न कुछ मैं जो भी मतलब कि मैंने जितने देखे उसमें कुछ सही से बन नहीं रहा है, तो फालतू में सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं आपको ट्रेड दूँ स्टॉक का तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको स्टॉक का अभी कोई मैंने दिया नहीं है, और उस दिन SBI का भी मैंने कुछ फॉलोअप नहीं लिया था क्योंकि उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, अपने लेवल पे आया ही नहीं जहाँ से अपने को सेल करना था पुट लेना था, तो फिर उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू।